एक बार फिर स्वागत है आप सभी का विजयपथ डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पालमपुर में। मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग की क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्यारे से सेशन को जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एनालॉजी के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिस तरह ऊर्जा का संबंध है जूल से उसी तरह आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध किससे होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये रहा, कुल्हाड़ी का संबंध है पसीना से। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, एमीटर का संबंध है धारा से। थर्ड ऑप्शन है शक्ति का संबंध है एमीटर से। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास, रेजिस्टेंस का संबंध है ओम से, मतलब प्रतिरोध का संबंध है ओम से। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंस का संबंध है ओम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिस तरह धुआं का संबंध है प्रदूषण से आपको बताना है कि युद्ध का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है विजय, सेकंड ऑप्शन है शांति, थर्ड ऑप्शन है संधि और लास्ट ऑप्शन है विनाश। अगर आप में से किसी को ये पता है तो बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनाश। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आवर का संबंध है सेकंड से तो आपको बताना है कि त्रियक टर्शरी का संबंध किससे होगा, यानी कि त्रियक का संबंध किससे होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, साधारण। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने द्वितीय यानी कि सेकेंडरी। थर्ड ऑप्शन आपके सामने है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। और लास्ट ऑप्शन रहेगा मध्यवर्ती। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राइमरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चिकित्सक का संबंध है उपचार से आपको बताना है कि न्यायाधीश का संबंध किससे रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है दंड यानी कि पनिशमेंट, सेकंड ऑप्शन है निर्णय यानी कि जजमेंट, थर्ड ऑप्शन है लॉयर यानी कि वकील एंड लास्ट ऑप्शन है अदालत यानी कि कोर्ट। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जजमेंट, निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डॉक्टर का संबंध है स्टेथोस्कोप से आपको बताना है कि मूर्तिकार का संबंध किससे रहेगा इन चार ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन है निहाई, सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका गंडासा, थर्ड ऑप्शन है आपके पास छेनी और लास्ट ऑप्शन है खुरपा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा छेनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़ना का संबंध है ज्ञान से तो आपको बताना है कि कार्य का संबंध किससे रहेगा। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट, सेकंड ऑप्शन है नौकरी यानी कि सर्विस, थर्ड ऑप्शन रहेगा अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस और लास्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला। तो इसका सही आंसर है अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पश्चिम का संबंध है उत्तर पूर्व से यानी वेस्ट का संबंध है नॉर्थ ईस्ट से, आपको बताना है कि साउथ का संबंध यानी कि दक्षिण का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके पास ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, सेकेंड ऑप्शन है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्व, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ उत्तर, लास्ट ऑप्शन है ईस्ट यानी कि पूर्व। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। जिस तरह पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से है उसी तरह दक्षिण का संबंध रहेगा उत्तर पश्चिम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28, मरुधान का संबंध है मरुस्थल से उसी तरह आपको बताना है कि सागर का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है आइसलैंड यानी कि द्वीप, सेकंड ऑप्शन है प्रायद्वीप, थर्ड ऑप्शन है पश्चजल
और लास्ट ऑप्शन है आपके पास वृगु। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा आइसलैंड यानी कि द्वीप। जिस तरह मरुधान का संबंध मरुस्थल से है, उसी तरह सागर का द्वीप का संबंध सागर से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा, कहां कहां का संबंध है वक्त से, उसी तरह आपको बताना है कि हिन हिनाहट का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन है लोमड़ी, सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा घोड़ा, थर्ड ऑप्शन आपके पास है मेंढक और लास्ट ऑप्शन है कैट यानी के बिल्ली। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा घोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिपाही का संबंध है रेजिमेंट से, आपको बताना है कि घोड़ा का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन है नेवी यानी के नौसेना, सेकंड ऑप्शन है आपके पास वेड़ा, थर्ड ऑप्शन आपके पास है अश्वारोही सेना और लास्ट ऑप्शन है आपका झुंड। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नौसेना यानी के नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फोटो का संबंध है फिल्म से, आपको बताना है कि फोटो स्टेट का संबंध किससे है। जिस तरह फोटो का संबंध है फिल्म से, उसी तरह फोटो स्टेट का संबंध बताना है आपको किससे है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, फोटोग्राफिक कागज, सेकंड ऑप्शन है बोल्ट का नियंत्रक, थर्ड ऑप्शन है विद्युती यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आपके पास है पेपर यानी कि कागज। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेपर यानी कि कागज। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन दिया गया कि यथार्थ का संबंध है प्रमाणिक से, आपको बताना है कि मिरीचिका का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके पास ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है भ्रांति, सेकंड ऑप्शन आपके पास है इमेज यानी कि प्रतिबिंब, थर्ड ऑप्शन है छिपाव और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है परावर्तन। जिस किसी को भी इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भ्रांति यानी के इल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने ये रहा, शोक का संबंध है आनंद से, आपको बताना है सुख का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है क्रोध यानी के एंगर, सेकंड ऑप्शन है दुख यानी के पेन, थर्ड ऑप्शन आपके पास ये रहेगा द्वेष, लास्ट ऑप्शन है आपके पास दुर्भावना। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुख यानी के पेन। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ये रहा, सर्जन का संबंध दिया है आपके पास फोर्ब्स के साथ, आपको बताना है कि किसका संबंध किससे होने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर का संबंध दिया है नुस्खा से, सेकंड ऑप्शन है शरणार्थी का संबंध है संस्थान से, थर्ड ऑप्शन है लोहार का संबंध है हथौड़ा से और लास्ट ऑप्शन है ड्राइवर का संबंध है ब्रेक ऑयल से। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोहार का संबंध है हथौड़ा से। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये रहा, संपादक का संबंध यह है पत्रिका से, आपको बताना है कि इनमें से किसका संबंध किसके साथ होगा। फर्स्ट ऑप्शन है उपन्यास का संबंध है लेखक से, सेकंड ऑप्शन रहेगा कविता का संबंध है कवि से, थर्ड ऑप्शन है आपके पास कुर्सी का संबंध है बढ़ई से और लास्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा निर्देशक का संबंध है फिल्म से यानी डायरेक्टर का संबंध है फिल्म से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा यानी डायरेक्टर का संबंध होगा फिल्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन दिया गया कि धागा का संबंध है कपड़ा से, आपको बताना है कि तार का संबंध किससे होगा।
चार ऑप्शन आपके पास ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन है रस्सी, सेकंड ऑप्शन है आपके पास जाली, और थर्ड ऑप्शन है छनी, फोर्थ ऑप्शन आपके पास रहेगा टेलीग्राफ। जिस किसी को भी इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा जाली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गतकल का संबंध है आगामी कल से, आपको बताना है कि मार्च का संबंध किससे है। जिस तरह गतकल का संबंध आगामी कल से है, उसी तरह आपको बताना है कि मार्च का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके पास ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है मई, थर्ड ऑप्शन है जनवरी, और लास्ट ऑप्शन आपके सामने है जून। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा, द्विशाखन का संबंध है विभाजन से, आपको बताना है कि विरक्ति का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके पास ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेम, सेकंड ऑप्शन रहेगा ईर्ष्या, थर्ड ऑप्शन है अरुचि, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है अशिष्ट। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुचि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया है आपको बताना है कि क्वेश्चन में क्या है कि पक्षी विज्ञानी का संबंध है पक्षी से, उसी तरह आपको बताना है कि पुरातत्व का संबंध किससे है। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है अश्मोपकरण, सेकंड ऑप्शन है द्वीप समूह, थर्ड ऑप्शन है मध्यस्थ, और लास्ट ऑप्शन है जलचर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिफैक्ट्स यानी के अश्मोपकरण। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लोमड़ी का संबंध है चालाक से, आपको बताना है कि खरगोश का संबंध किससे है। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है साहसी, सेकंड ऑप्शन है खतरनाक यानी के डेंजरस, थर्ड ऑप्शन है डरपोक, और लास्ट ऑप्शन है क्रूक। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी के डरपोक। सो गाइस, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन लेके आया था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। We'll be right back.